सो गाइस अभी तक नहीं आया, 10 बज चुका है, 10 मिनट और लेट है क्योंकि थोड़ा सा ट्रेन लेट हो गई है। तो अभी ना अपना जी देखो सुरंजीवी आ गई है, यही अपना सुरंजीवी है और देख रहे हो कैसे लटक के लोग आ रहे हैं जनरल में। ये देखो कैसा भीड़ है भाई, सारे लोग लटक लटक के आ रहे हैं जनरल से। फाइनली गाइज ये फर्स्ट एसी का शावर है, यहाँ पे सारे लोग नहाते हैं। ये देखो ये अपना मिरर में दिख रहा है, देख रहा भाई पूरा भीग चुका है बाहर, इतना ज्यादा गर्मी था। और फिर इधर के साइड देखो ना तो ये शावर है, इसे सारे लोग नहाते हैं। ऊपर से कितना पानी गिर रहा, सोचो कितना तेज बारिश हो रहा है। ऐसे तो अंधेरा टाइप का है ना तो नहीं दिख रहा है, बट बारिश बहुत तेज हो रहा है यार, बहुत घमासान आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा ना कैसा बारिश हो रहा है। जो बारिश के मजे देख रहे हो भाई, कितना तेज है। इस बारिश में गया ना तो अपन लोग भीग तो जाएंगे, ये तो कन्फर्म मान लो। देखो इधर ही देखो ना कितना पानी जम चुका, और ये देखो बारिश की बूंदे देख रहे हो कितना तेज आ रहा है। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी अपन लोग राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पे हैं, और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि अपन लोग फर्स्ट एसी से दिल्ली जाएंगे, तो जैसा कि देख सकते हो मैंने सुरंजीवी में काटा था फर्स्ट एसी का टिकट, बट एक वेटिंग रह गया था अपना। तो आज 10 दिन बाद आज फाइनली अपना ट्रेन है, और सुबह 4 बजे अपना टिकट कंफर्म हो गया। एक 16 नंबर दिया H1 में, मतलब फर्स्ट एसी में, जो कि कैबिन में अपन लोग किए हैं, कूप में करना था बट कैबिन में हो गया। सो मैं आपको ना आज सुरंजीवी ट्रेन का फर्स्ट एसी दिखाऊंगा कैसा होता है, प्लस उससे सुने सावर भी होता है नहाने वाला, प्लस वॉशरूम ऐसा बहुत ही क्लीन होता है। और मैं इसके पहले राजधानी का फर्स्ट एसी गया था तो उसमें काफ़ी कुछ था टीवी ये सब भी था, बट इसमें टीवी रहता है फिर नहीं रहता है, और भी कुछ फैसिलिटी है जो कि इसमें रहता है फिर नहीं रहता है, वो तो आपको बताते हैं उस वीडियो में ही दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ उसमें मिलता है। तो वीडियो में बने रहना गाइस, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो चलो अभी ट्रेन आती है राजेंद्र नगर में, 9:30 हुआ, 10 बजे ट्रेन आएगी राजेंद्र नगर में, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद आपको ट्रेन का सारा कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना गाइस। ये अभी एक 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई है, ये कौन सा धनबाद पटना हटी एक्सप्रेस है क्या, सिंगरौली एक्सप्रेस, और फिर ये अपना राजेंद्र नगर 3 नंबर पे आएगी, वो 1 नंबर है, ये 2 नंबर और फिर ये 3 नंबर, इसी पे आएगी बिहार शरीफ की तरफ से। तो अभी तो अपन लोग आ चुके हैं, और फिर ये देखो अपना सामान, एक बैग में अपना घी है देसी घी, और अपना एक बैग में कपड़ा है, एक झोला में घी है, क्योंकि यार मतलब दिल्ली वैली में ना मतलब कोई अच्छा सा घी नहीं मिलता, इसी कारण से अपना गाँव से घी लिया, क्योंकि गाँव का घी तो आपको पता ही होगा कितना बढ़िया होता है। और ये देखो स्टेशन अभी धूप हो चुका है और खाली खाली सा लग रहा है, 1 नंबर तो पूरा खाली है भाई, देख रहा हूँ पूरा का पूरा खाली है, 2 नंबर ये है ये भी खाली है, 3 नंबर भी खाली है, 4 नंबर उधर बहुत ही भीड़ है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसेंजर ना बिहार धनबाद इस सब की तरफ जाते हैं ना, तो उधर ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. सो गाइस अभी तक नहीं आया, 10 बज चुका है, 10 मिनट और लेट है क्योंकि थोड़ा सा ट्रेन लेट हो गई है। तो अभी ना अपना जो बर्थ का पोजीशन है ना फर्स्ट एसी का, मैंने सोचा था आगे होगा इंजन के पास ही, लेकिन आप लोग देख सकते हो इंजन के आगे जनरल रहता है, फिर स्लीपर, फिर एसी, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फिर टब। इंजन का मतलब सबसे लास्ट जो बोगी होती है ना उससे एक बोगी पहले अपना फर्स्ट एसी होता है। तो अपन लोग चलते हैं पीछे के साइड, और फिर वहीं पे फर्स्ट एसी की तरफ अपन लोग खड़े रहेंगे, आएगी फिर बैठ जाएंगे। देख रहो अभी कोई भी ट्रेन नहीं है, सारा एकदम जा चुका, चारों प्लेटफॉर्म खाली, और फिर ये कचरा उठाते हुए भैया, भाई इन लोगों का काम ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली काम होती है यार, बहुत ही मतलब मेहनत ही बहुत होती है यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारा कुछ चूज करो उसके बाद उठाओ फिर उसको कचड़े में डालो। और इधर आरपीएफ वाले कुछ जवान हैं।
तो अभी अपन लोग सामान उठाते हैं और फिर पीछे के साइड चलते हैं, क्योंकि आगे के साइड तो अपना थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर ये सब लगेगी। तो पीछे के साइड चलते हैं, सामान उठा के लेके चलते हैं। अभी देखो ये अपना बैग है, इसमें कपड़ा ये सब है, और फिर इसमें देखो गाइस अपना घी। भाई रुक जाओ, अभी देखो ये देसी घी कैसे अपन लोग पैक करके लाए, देख रहे हो ये वाली बॉटल में, ये देखो ये है अपना देसी घी, इसी में डाल लिया यार, क्योंकि और कोई बोतल मिल नहीं रहा था, डब्बा ये सब, तो सोचे चलो बोतल ही ज़्यादा बेस्ट होगा अपने लिए। और अभी अपन लोग आगे की साइड जा रहे हैं, पीछे की साइड जा रहे हैं, आगे की साइड नहीं, क्योंकि पीछे लगेगी ना अपना, इसीलिए पीछे की साइड ही चलते हैं। तो भाई आगे की साइड तो अपना स्लीपर ये सब लगेगा, बट फर्स्ट एसी तो पीछे लगेगी, तो पीछे ही चलना पड़ेगा, इसीलिए पीछे जा रहे हैं। प्लस ये इंजन देख रहे हो बहुत पहले से आके लगा हुआ है, तो एकदम पीछे आ गए ये अपना राजेंद्र नगर टर्मिनल। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो सामने की साइड कितना सारा ट्रेन लगा हुआ है, दिख रहा अंदर। तो ये जगह गाइस यार्ड है, यहाँ पे ट्रेन धुलती है, सारा साफ सफाई होती है ट्रेन का, उसके बाद यहाँ से सारा ट्रेन निकलती है। लाइक जो भी राजेंद्र नगर से खुलती है ना, वो ये इसी यार्ड में जाके धुलती है, सारा सफाई सब होती है, उसके बाद निकलती है। बट अपना तो ट्रेन यहाँ पे आने वाली है, तो काफ़ी आगे आ चुके। और देखो राजेंद्र नगर टर्मिनल लिखा हुआ है, इधर भी देखो राजेंद्र नगर टर्मिनल, और फिर ये इंजन के पास ही आ गए। अपन लोग इधर से भी निकलते थे पहले, जब टिकट नहीं होता था ना, तो इस साइड से आते थे, आगे मेन गेट है ना, उधर से नहीं आते थे, क्योंकि पकड़ा जाते थे यार कभी कभी, एक दो बार मैंने भी पकड़ाया बट भाग गए थे यार, समझ सकते हो ना। तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे भाई भागने का, तो इधर से ही पीछे के साइड से ही निकलते थे, एक उधर के साइड से, उधर से के साइड से भी आते थे, और एक इधर के साइड से भी आते थे। तो गाइस अभी तो अपन लोग वेट कर रहे हैं, एक बैग लिए हुए, एक ये हाथ में थैला, और अभी ट्रेन का वेटिंग चल रहा है। भाई कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट देखो 10:10 हो गया, 6 मिनट और शो कर रहा है, लाइक 10:16 का टाइमिंग दे रहा है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, बस थोड़ा सा वेट, समझ रहे हो ना। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी अपन लोग सुरंजीवी आ गई है, यही अपना सुरंजीवी है, और देख रहे हो कैसे लटक के लोग आ रहे हैं जनरल में। ये देखो कैसा भीड़ है भाई, सारे लोग लटक लटक के आ रहे हैं जनरल से। राजगीर नई दिल्ली एक्सप्रेस देख रहा हूँ अब भाई, 3rd number AC, ये देखो B1, और इसके जाते जाते ना फिर 1st number AC आएगी, उसमें वो लोग जाएंगे। अगर ऐसा सुने ना, 1st AC में ना जो स्टेशन से तुम्हारा टिकट होगा ना, वहीं पे एंट्री देगा बैठने के लिए। तो मेरा पटना जंक्शन से है, बट उससे 2 किलोमीटर पहले राजेंद्र नगर स्टेशन है, तो वहीं पे आ चुके। बट देखो एंट्री देगा तो देगा, वरना अब हम लोग पटना जंक्शन में ही घुसेंगे 1st AC में, 2nd AC में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं करने वाली है। और एक सबसे पीछे अपना जनरल है, 1st AC के बिल्कुल बाजू में ही, देख रहे हो वो 1st AC है, ये जो उतरा ना यहाँ से आगे वाला 1st AC है, ये वाली 1st AC है, ये वाली देखो यार कैसा मतलब है यार, देख रहा बैठा हुआ भी है लोग यार। चलो तो F ब्लॉक में मेरा, वो F वाली में, और ये देखो जनरल एक्स पीछे है। तो चलते हैं अपन लोग 1st AC में एंट्री लेते हैं पहले। सो ये देखो 1st AC भाई, और ये भाई सब ये अपना 1st AC है, इधर सावर इसमें, ये देखो कैबिन, ये अपना F ब्लॉक में G, और ये F इसी में है। ये देखो ये अपना 1st AC है भाई, टोटल 4 सीट, अपना 16 number seat है ये भाई साहब, ये कितना नंबर सीट है, इससे ऊपर चढ़ सकते हो यहाँ से सीढ़ी से भाई, मतलब देख रहे हो यार कितना भयानक वाला फैसिलिटी, ये ऊपर वाला 16 number है, ये वाली अपना है, ये वाला सीट भाई, फुल्ली केबिन प्लस पूरा गेट एकदम लॉक, देख रहे हो क्या ही रहीसी है यार अपना, मतलब मस्त लग रहा है। इसी यहाँ पे लाइट वाइट, इसको ऑन करो, लाइट ऑन हो गया, इसको ऑफ कर दो, ऐसा है कुछ। फाइनली गाइज ये 1st AC का सावर है, यहाँ पे सारे लोग नहाते हैं, ये देखो ये अपना मिरर में दिख रहा है, देख रहा भाई पूरा भीग चुका है बाहर, इतना ज्यादा गर्मी था। और फिर इधर के साइड देखो ना, तो ये सावर है, इसे सारे लोग नहाते हैं। और 1st AC इसका उतना कुछ खास नहीं मेरे को लग रहा, क्योंकि राजधानी का ना काफी भयानक था, और फिर ये अपना हीट करने वाला, मतलब पानी गर्म करने वाला, और ऊपर भी है, इससे भी नहा सकते हो, तो कुछ ऐसा है 1st AC का यार, मतलब फिर भी अच्छा है। राजधानी का इससे बहुत लाख गुना बेटर है यार 1st AC का, जो भी नहाने वाला है ना बहुत ही अच्छा है। तो अभी ये नहाने वाला है, बाथरूम तो और भी ज़्यादा क्लीन है,
तो आपको डायरेक्ट बर्थ में अपना लेके चलते हैं। इससे पहले भी देखे होगा ना बर्थ वाला, बट तुम्हें बर्थ में लेके चलते भी आपको। देखो ये अभी अपन लोग आ गए वॉशरूम में, इधर ये हैंड वॉश है, ये नल है, और फिर ऐसा कुछ टॉयलेट है यार। मतलब उतना खास नहीं है, राजधानी का टक्कर नहीं ले सकता यार, क्योंकि वो खुद में ही बहुत ही यूनिक लगता है, बहुत ही भयानक लगता है। और ये टिश्यू पेपर है देखो, तो राजधानी भाई खुद में ही बहुत ही भयानक वाला ट्रेन है, तो उसका तो भाई ये टक्कर कभी नहीं ले सकता। फर्स्ट एसी इसका, इसका थर्ड एसी, इसका फर्स्ट एसी और राजधानी का थर्ड एसी, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, ऐसा होता है उसका एसी। तो कभी मौका मिलेगा ना तो राजधानी का भी फर्स्ट एसी आप लोग को दिखाएंगे। भाई हम तो मजे कर रहे हैं फर्स्ट एसी में, काफी भयानक अलग लग रहा है। और अपना कैब देखो ना थोड़ा सा ऐसा हो गया लाइक, बहुत ही भयानक लग रहा है। और ये सीट देख रहे हो, मैं भी आपको बैक कैमरा से दिखा रहा हूं, देखो कुछ ऐसा है। और फिर इसको बिछा देंगे ना, नीचे कर देंगे ना, तो बहुत ही चौड़ा हो जाएगा सीट, लाइक देख सकते हो अभी कितना पतला है, और उसको बिछाने से काफी चौड़ा हो जाएगा सीट। सो गाइस ये देखो मेरा सीट के बिल्कुल सामने वाला सीट है, और यहाँ पे दो पिल्लो, एक नीचे एक ऊपर, और फिर ये देखो मेरा बैग रखा हुआ है, और फिर साइड साइड में ना देखो नंबर भी कुछ दिया हुआ मदद के लिए, हेल्पलाइन नंबर, प्लस दो बोर्ड है, दो स्विच वाला, और ये मेरा पिल्लो, दो बेडशीट इसके अंदर है, एक टॉवल है इसी के अंदर बॉक्स के अंदर, और फिर इसमें एक पिल्लो का कवर है। और फिर पिल्लो देखो ना तो काफी ज्यादा गंदा रख रहा है, लाइक देख सकते हो लाइन लाइन गंदा हो चुका है, तो इसको कवर लगाने से सही हो जाएगा। ये मेरा थैला है, और फिर ये मेरा ब्लैंकेट है जो कि बेडशीट के ऊपर से अपन लोग ओढ़ेंगे, और फिर ये मेरा सेवन अप कोल्ड ड्रिंक जो कि मैंने लिया था पीने के लिए, और फिर ये इधर लटकाने वाला कुछ सामान है उसको लटका दो, प्लस एसी यहाँ भी है, बल्ब यहाँ पे, और नीचे की साइड पर्दा, और फिर वो चैन पुल, और फिर ये देखो यहाँ से एसी निकलता है भाई, बहुत ही ठंडा मस्त चिल्ड वाला लग रहा है अपने को, काफी बेहतरीन लगता है। और फिर उधर का सीट यही सब है, और इधर के साइड देखो ना तो नीचे का सीट प्लस ये ऊपर चढ़ने वाला और नीचे उतरने वाला सेम अपने साइड भी है। ये देखो इससे अपन लोग नीचे की ओर जाते हैं और फिर ऊपर की ओर भी आते हैं, और फिर यही कुछ है सारा कुछ। ये मिरर है, लाइक मिरर का अभी तो अपने को यूज है नहीं, बट हाँ नीचे वाला का यूज है, प्लस ये अपना गेट है, और फिर पर्दा है यहाँ पे। फाइनली गाइज अभी अपन लोग पिल्लो में कुछ का कवर लगाएंगे, अपन लोग बेडशीट पहले इधर बिछा चुके हैं, ये अपना पिल्लो कवर है जो कि अपन लोग इस पिल्लो में लगाने वाले इस कवर को, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। लाइक एक टॉवल उसी रैपर में मिला है, दो बेडशीट मिला था जिसको मैंने एक बिछा चुका हूं, और एक बेडशीट ये अपने पास रखा हूं, और ये एक ब्लैंकेट है। तो अभी मैं ना आपको इसमें कवर लगा के दिखाता हूं कैसे लगता है, जो तो इसके लिए अपने को पिलो कवर लेना पड़ेगा। बैक कैमरा से दिखाते हैं अभी आपको अच्छे तरीके से। तो फाइनली गाइस ये देखो ये अपना पिलो कवर है, इसको सबसे पहले ना दोनों हाथ डाल के इसको पहले ना अंदर डालने के बाद उल्टा कर लो इस कवर को, तो अभी मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। फिर अपन लोग फिर से हाथ डालेंगे अंदर, दोनों साइड का स्क्वायर वाला जो पोजिशन होता है ना उससे पकड़ लेंगे, और पिल्लो का दोनों साइड से पकड़ के, और उसको अंदर की तरफ इसको कवर को ना पलट देंगे डायरेक्ट से, तो उल्टा करके सीधा डालेंगे, उल्टा से अपोजिट करेंगे तो सीधा होकर इसमें चला जाएगा। तो लाइक देख सकते हो कितना इजी वे में अपना कवर लग चुका है, और फिर पिल्लो ना काफी अच्छा लगता है, प्लस बेडशीट थोड़ा सा फोल्ड हो गया उसको सही कर देते हैं अपन लोग। और ये देखो पिल्लो काफी अच्छा लग रहा ना अभी, अभी ये ना काफी स्पंजी टाइप का भी हो गया, मेरे को लग रहा ना एक झपकी यहीं पे मार ले अपन लोग, लाइक देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है पिल्लो। तो ये तो पिल्लो अपन लोग ऐसे कवर अप कर दिए, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से कैसा पिल्लो कवर इसमें लगा है। सो अभी देखो ये देखो पिल्लो किस तरीके का मस्त लग रहा है ना, ये पिल्लो मजा आ रहा है एकदम देखने में, उस टाइम तो वो इतना गंदा था ना बता ही नहीं सकते, लेकिन अभी क्या मस्त लग रहा है। प्लस ये देखो पर्दा एकदम गेट लॉक है, खुल जा रहा था बार बार, तो उसको अपन लोग लॉक कर दिए, और अपन लोग अभी यहाँ पे पिल्लो रखते हैं, और फिर अपना जो टॉवल है जो मिला अपने को वो भी टॉवल साइड में रख देते हैं,
और उसके बाद अपन लोग एक झपकी मस्त वाला मारेंगे, क्योंकि सुगाइज अभी तो अपन लोग लेट चुके हैं, मस्त वाला पिल्लो लग रहा है, प्लस अपने को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि अपन लोग पहले अपन लोग बेडशीट लिए व्हाइट कलर का, जो कि रेलवे स्टेशन से, जो कि रेलवे वाला मेरे को दिया फर्स्ट एसी में, उसके बाद ब्लैंकेट लिए। तो आप लोग देख सकते हो इधर के साइड कोई भी बंदा नहीं है, लाइक दो सीट सिर्फ फुल है, मेरा एक और एक नीचे वाला। और ये देखो अपना बेडशीट अपन लोग पहले डाले ना, इसलिए डाले ना कि अपना व्हाइट सेट है गंदा ना हो, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाले। और अभी कंफर्टेबल काफी ज्यादा फील हो रहा है, क्योंकि भाई मतलब एसी काफी ज्यादा चिल्ड और मजा भी आ रहा है काफी ज्यादा अपने को। सो गाइस ये दोनों सीट भी फुल हो चुकी थी, लाइक 11:30 हो चुका। लखनऊ में मेरे नीचे वाला बेड के एक जन थे वो खाली किए, और सामने वाले में दो जन आए, इतना ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा है ना, क्या ही बोले यार, मतलब बहुत ही गंदा, बार बार वॉशरूम जा रहे दोनों। लाइक देख सकते हो 11:30 रात हो चुका है, अभी अपन लोग लखनऊ पहुंचे हैं, और फिर यहाँ से मेरे नीचे वाले ना जो थे उनको हटे हैं, और फिर दूसरा आया है जो कि मेरा बोर्ड भी अपना लिया, जहाँ पे मैंने चार्जिंग के लिए अपना प्लग डाला था ना, लाइक देख सकते हो उसका प्लग लटका हुआ है, ऊपर के साइड प्लग में डाला हुआ है। प्लस इधर का व्यू काफी अच्छा लग रहा है नाइट का टाइम में, भाई बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा था, बट लाइट ऑफ ही नहीं कर रहा ये लोग। और ये देखो ऊपर के साइड ये मस्त वाला, सारा लाइट ऑफ हो जाएगा ना तो ये देखो कैसे जलता है, बक बुक। अपन लोग जिस बंद दाबेंगे ना तो जलेगा, छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ये देखो देख रहे हो ना, मस्त लगता है ऐसे करने में अपने को। और फिर ये देखो ये ना अपना बोर्ड भी अपना चुका है, लाइक क्या ही बोल सकते यार। सो फाइनली भाई अभी 5 बज रहा है और अब लोग नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, लाइक उतर चुके हैं, 5 बज चुका है, और बारिश हो रही है भाई, बहुत तेज का बारिश हो रही है। देखो कितना बज रहा है, 5:30 होने को है, देख रहे हो 5:30 होने को है, और बारिश एकदम जोर का हो रहा है। मेट्रो स्टेशन अपन लोग कैसे जाएंगे सोचो यार, अभी तो जाने का तो इधर से चले जाएंगे, फिर जब उधर उतरेंगे ना तो कैसे जाएंगे वो सोचो, बट देखते हैं क्या सीन होता है। अभी तो ऊपर के साइड चढ़ते हैं यहाँ से, पर भीड़ देख रहा हूँ लोगों का, ये देखो बहुत सारे लोग तो बारिश के कारण नहीं जा रहे हैं, ये देखो बहुत तेज बारिश है यार, यार मतलब क्या सीन होगा यार, मेट्रो स्टेशन जानी है ये भाई, ये देखो देख रहा हूँ लोगों का, बहुत तेज का बारिश, आवाज तो आ ही रही होगी ना, ये लो ये देखो ऊपर का सीन, पानी पानी हो रखा है एकदम, फिर भी लोग चल रहे हैं, और बारिश देखो यार कितना तेज हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इधर के साइड से, देखो बारिश का मजा, ये देखो बारिश दिख रहा है ऊपर से कितना पानी गिर रहा है, सोचो कितना तेज बारिश हो रहा है, ऐसे तो अंधेरा टाइप का है ना तो नहीं दिख रहा है, बट बारिश बहुत तेज हो रहा है यार, बहुत घमासान आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा ना कैसा बारिश हो रहा है जो। और यहाँ पे स्केल्टर, बट नीचे नहीं जाना अपने को, 16 नंबर की तरफ जानी है, फिर मेट्रो स्टेशन जानी है, 16 नंबर की तरफ ना मेट्रो स्टेशन जानी है ना, तो अपने को वो वाली फ्लाईओवर पकड़नी पड़ेगी, तो डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन, कोई बारिश का लोचला पटा नहीं, तो अपन लोग चलते हैं उधर ही, इधर से घूम के। देख रहे हो भाई सारे लोग, मतलब फिर इतना बारिश हो रहा फिर भी लोग ट्रैवलिंग कर रहा है, आ ही रहे, ये देखो बारिश से भीगा हुआ है पेटी, बट लोगों का भीड़ कम ना हो बे भाई, थंडर स्टॉर्म भी आ रहा था, मतलब थंडर जो बिजली होती है ना वो वाली चमक रही है काफी टाइम से, ये देखो भीड़ भाई कितना भयानक भीड़ है, बारिश इतना तेज है ना कि भीड़ बहुत ही ज्यादा है, प्लस मेट्रो भी स्टार्ट नहीं हुई है, ये देखो मेट्रो स्टेशन पानी पानी हो रखा है एकदम, देख रहा नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है कैसा पानी पानी हो गया है बारिश के कारण, प्लस भीड़ देखो, अभी मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई है इसीलिए भीड़ इतना,
भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। स्टार्ट मतलब होगी ना तो सोचो यार कितना हो जाएगा, 5 बज रहा है ना इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ अभी। जंग जीत के आए तो दूसरा में लगना पड़ेगा लाइन में, उधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, इधर भी भीड़ है टिकट के पास। चलो जल्दी से भाई लाइन में लग कर टिकट लेते हैं, बट देखते हैं कार्ड रिचार्ज होता है तो सही है, वरना चलते हैं ऐसे ही। आज अभी 6:15 हो रखा और बारिश देखो यार कितना तेज़ हो रहा, अपन लोग कैसे जाएंगे उधर बताओ, ना कोई अपने पास छाता है ना कुछ है, सारा भीग जाएगा, फ़ोन भीग जाएगा, वॉच भीग जाएगा। अभी का टाइम देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो 6:00, ये ना 20 मिनट फास्ट है, 40 होने वाला है तो मान लो 20, तो 6:20 होने वाला है और फिर अभी तक बारिश नहीं हो छूटी है यार, ये देखो बहुत तेज़ बारिश है, तो मज़े देख रहे हो भाई कितना तेज़ है। इस बारिश में गए ना तो अपन लोग भीग तो जाएंगे तो कन्फर्म मान लो, देखो इधर ही देखो ना कितना पानी जम चुका, और ये देखो बारिश की बूंदे देख रहे हो कितना तेज़ आ रहा है, तो भीग जाएंगे आराम से। मानो ना यहाँ से अपन लोग चढ़ना स्टार्ट करेंगे और उस तरफ अपने को उतरना है, तो डिस्टेंस देख रहे हो अंदर की साइड भी पानी थोड़ा थोड़ा जम गया, बट क्या ही बोल सकते यार कैसे जाएं यार बताओ गाइस, मतलब कैसे जाए, यही एक ऑप्शन है, फ्लाईओवर ही ऑप्शन है, बाकी नीचे के साइड से क्रॉस नहीं कर सकते हो क्योंकि बिजी रोड है ना, तो समझ ही सकते हो। तो गाइस बारिश तो काफ़ी ज़्यादा है यार, अपन लोग कैसे जाए नीचे सोचो यार, मतलब अपने को काफ़ी डिस्टेंस पे भी जानी है दौड़ के, 200-250 मीटर, तो इतना बारिश में भीग जाएंगे, देख सकते हो कितना तेज़ बारिश है। ये तो ऊपर से जो इसमें बारिश अटका हुआ है ना पानी, वही नीचे आ रहा है और नीचे की साइड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, पानी का बहाव देख रहे हो। तो सारे लोग तो 4-व्हीलर बाइक से सब देखो उधर से बस से सारे लोग उतर के मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं और अपन लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा, और ये देखो ये भी चालू हो चुका है, पांव रखते के साथ ना स्टार्ट हो जाएगा, बंद है चालू है, यहाँ से चालू करके गया अभी, देखो चालू हो जाएगा, अरे बंद हो गया फिर से। चलो तब तो अपन लोग इधर से दौड़ के जा सकते हैं भाई, इधर देखो यार बारिश कितना तेज़ है, नाला देख रहे हो यार कितना तेज़ हो गया। फाइनली गाइस अभी तो अपन लोग पहुँच चुके हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ऐसे में अपन लोग जा भी नहीं सकते हैं, तो बाहर जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश तेज है, भीग जाएगा अपना सारा कपड़ा बैग और फिर जो भी अपना वॉच ये सब मोबाइल ये सब भीग जाएगी। तो गाइस अपन लोग फर्स्ट एसी से आए सरंजीवी से, बिहार से मतलब पटना से दिल्ली, तो आप लोग वीडियो देख के आप लोग बता ही सकते हो फर्स्ट एसी का हाल क्या था सरंजीवी का, तो सोच रहेगा जहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करना गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। ये देखो ना मोहल्ला का हाल यार, लोग कैसा हो गया भाई, पानी पानी हो गया सारा जगह, देख रहे हो कितने टाइम से बारिश हो रही है, सोचो जब से मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ ना 6 बजे, न्यू दिल्ली पहुँचे ना 5 बजे पहुँचे थे, 4:55 में सही टाइम पे पहुँचे थे, उसी टाइम से बारिश हो रही थी, अभी तक कंटिन्यू हो रही है। ये देखो दहाड़ टाइप का आ गया यार, कितना पानी।